25 जनवरी 2017 को मेरा पहला पेमेंट आया था जो कि $1172 का था। $1172 मतलब कि 70 से 80 हजार रुपए दोस्तों होते हैं पहला पेमेंट था, जो कि पहला पेमेंट इन्होंने कमाया। और मैं क्या कहता था, कभी कभी यूट्यूब से गलती करता था, यूट्यूब उठा के यूट्यूब पे डाल देता। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अभी हम है गाजीपुर में, ठीक है, और ये हमारे एक मित्र है जो कि बहुत पुराने हैं, जो कि करीब 2016 से, हमने तो 2014 में स्टार्ट किया था और 2016 से इनसे मुलाकात हुई और 2016 से ये यूट्यूब पे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चैनल मोनेटाइज हैं इनके यूट्यूब पे। प्रदीप कुशवाहा नाम है भाई का और अभी आपको चैनल दिखाएंगे, तीन तीन चैनल मोनेटाइज है और साथ में और भी काम करते हैं, जैसे बहुत लोग यूट्यूबर भी होते हैं साथ में बिजनेस करते हैं और भी सारी चीज़ें, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो देख के। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको चैनल दिखाते हैं कौन कौन सा चैनल। सबसे पुराना चैनल इनका जो है प्रदीप कुशवाहा, जिसपे कि 72,270 सब्सक्राइबर है, ठीक है। इस पर इन्होंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, लेकिन ये साथ में एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। और उसमें सर कितने दिनों से हैं आप? उसमें मैंने अभी मतलब कि 2022 से स्टार्ट किया, 2022 से मतलब मिडिल से, मतलब एक साल से आपने स्टार्ट किया। एक साल भी नहीं होने वाला है। हाँ, एक साल होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं और उससे भी अर्निंग कर रहे हैं। और इस चैनल की पॉपुलर वीडियोस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे तो रेगुलर ही वीडियो डालते हैं, 2 साल पहले 573,000 व्यूज गए थे, उसके बाद 4 साल पहले 178,000 व्यूज, 146,000 व्यूज, मतलब कि लाखों में व्यूज गए हैं। और यहाँ पे अगर अभी अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसलिए उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं चैनल, क्योंकि साथ में बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज हो जाए तो हम यूट्यूबर बन जाएंगे। तो सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने से आप यूट्यूबर नहीं बनेंगे, बल्कि आपको चैनल मोनेटाइज होने के बाद फोकस करना पड़ेगा, वीडियोस पे व्यूज जाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तब आप यूट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक चैनल दिखाया जिसपे आप देख सकते हैं कि मंथली $2.94 बन रहे हैं। अब आपको सेकेंड चैनल दिखाते हैं, उसी तरीके से आपको थर्ड चैनल भी दिखाएंगे। हाँ, ये वाला है ना, सेकेंड चैनल देखिए, इस पे 161,000 सब्सक्राइबर हैं, देख सकते हैं 161,000 सब्सक्राइबर, प्रदीप कुशवाहा एंटरटेनमेंट। एक तो आपने चैनल देखा जो प्रदीप कुशवाहा ब्लॉग ब्लॉगिंग का वो चैनल था, ये दूसरा जो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल है और इसका कंटेंट भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अभी एक महीने से भाई ने इस पे वीडियो ही नहीं डाला है, लेकिन पॉपुलर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी वीडियोज यहाँ पे पॉपुलर है, जैसे कि 3.2 मिलियन व्यूज, 2.3 मिलियन व्यूज, 1.9 मिलियन व्यूज, 1.8 मिलियन व्यूज, 1.5 मिलियन व्यूज, मतलब कि आप समझ लीजिए कि पांच पांच वीडियोस से ज्यादा यहाँ पे मिलियन में व्यूज गए, लाखों में तो कितने सारे व्यूज गए। तो प्रदीप भाई ये बताइए आप कि क्यों, मतलब इतने चैनल्स होने के बावजूद, इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद, इतना मोनेटाइजेशन होने के बावजूद, यूट्यूब पे क्या ऐसी चीज है जो आपको डिमोटिवेट करती है? क्योंकि इस चीज के लिए लोग तरसते हैं कि हमारा एक चैनल मोनेटाइज हो जाए, एक चैनल पे हमारे 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वास्ता पूरा हो जाए तो हम यूट्यूब से पैसे कमाएं। और ये चीज तो आपसे पूछेंगे ही, एक और चैनल आपका दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये दो चैनल आपने देख लिया, ये देखिए प्रदीप गाजीपुरिया, ये भी इनका चैनल है, ये भी चैनल मोनेटाइज, ये टेक चैनल है और ये भी देख सकते हैं कि मोनेटाइज हो चुका है। इस पे भी आप देख सकते हैं 4,000 घंटे का वास्ते और 1,600 सब्सक्राइबर, और इस पे भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो चुकी है। तो तीन तीन चैनल के ओनर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है, फिर भी ऐसी क्या बात है, आपको यूट्यूब से क्या ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग दे दे रहा है, वहां से आप ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं कि यूट्यूब को आप वैल्यू नहीं दे रहे, क्या बात है आप बताइए जरा ऑडियंस को, क्योंकि ये सारी सच्चाई है। आप पुराने यूट्यूबर हैं, क्या ऐसी बात है जो आपको तीन तीन चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी आपको यूट्यूब पे जो है मतलब यूट्यूब से भटका रही है, क्या ऐसी बात है बताइए आप अपने वर्ड में। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत किया, ठीक है, मैंने 2016 से मतलब कि 2016 लास्ट से स्टार्ट किया था, 2017 से मेरे यूट्यूब पे पेमेंट आने लगा। 25 जनवरी 2017 को मेरा पहला पेमेंट आया था जो कि $1172 का था। $1172 मतलब कि 70 से 80 हजार रुपए दोस्तों होते हैं पहला पेमेंट था, जो कि पहला पेमेंट इन्होंने कमाया। और कब आया था? 25 जनवरी 2017 में 78,000 रुपए सोच सकते हैं। उसके बाद बताइए। उसके बाद मतलब कि थोड़ा सा यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, कोई नॉलेज उतना देने वाला था नहीं, मैंने बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख देख के, ज्यादातर मैंने धर्मेंद्र सर की वीडियो से सीखा, फिर एक आधार चैनल जिसमें देखता था तो सीखता था, बनाता था वीडियो, लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं क्या कहता था, कभी कभी यूट्यूब से ही गलती करता था, यूट्यूब उठा के यूट्यूब पे डाल देता। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। और फिर दूसरी गलती, मैंने मैंने जब जब हमारे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आ गई, चाहे यूट्यूब पे वीडियो
एक गलती मैंने और की, जैसे कि मेरी वीडियो जो कॉपीराइट आ जाते थे, म्यूजिक वगैरह में डाल रहा था वीडियो, तो जो कॉपीराइट आ जाते थे तो मैं क्या करता था, मुझे दिमाग में आता था जब इस वीडियो से पैसा नहीं कमाएंगे तो उसको रखें क्यों। सही बात है, दिमाग में था, लेकिन ये नहीं दिमाग में आता था कि अगर वो वीडियो रहेगी जब चल रही है मिलियन व्यूज तो वो सब्सक्राइबर तो गेन करेगी, चैनल ग्रोथ तो करेगी, ये दिमाग में नहीं आता था। हमारा दिमाग बस ये था कि जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर इसको क्यों रखें। सही बात, दिमाग में ये रहता था। तो मैंने वहाँ पे भी गलती की, कई बार वीडियो मैंने डिलीट कर दी, मतलब मिलियन वीडियो मैंने डिलीट किया है, मिलियन व्यूज वाले। मेरा एक वीडियो था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, 5 मिलियन व्यूज गया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया अपने चैनल से, बस कॉपीराइट के कारण। कारण उससे मैंने अच्छा खासा पैसा भी अर्न किया था, बाद में कॉपीराइट आया था, फिर उसके बाद मेरा चैनल एक बार बंद भी हो गया, स्ट्राइक की वजह से बंद भी हो गया, उससे नॉलेज नहीं था जिसके मन को उसका उठा के डाल देता था वीडियो। फिर मैंने गलती किया कि यूट्यूब पे आपको, मैं जो भी ऑडियंस देख रहे हैं मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पे आपको चैनल का बार बार नाम नहीं चेंज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुनो। मैंने कई बार नाम चेंज किया, जो हमारा मेन चैनल है प्रदीप कुशवाहा वाला, उसमें मैंने कई बार नाम चेंज किया, मतलब 3-4 बार मैंने नाम चेंज किया होगा। अब किस्मत मेरी ये भी उसमें एक ठीक थी कि मैंने जय बार चेंज किया नाम, जो मैंने चैनल का नाम रखा उसी नाम से मुझे URL मिल जाता था चैनल का। क्या बात है। और अभी तक, लेकिन फिलहाल बाद में फिर लास्ट में वापस। अच्छा एक बात बताइए प्रदीप भाई कि इसमें आपको गलतियां क्या लगती हैं जिससे आप 78,000 रुपये फर्स्ट मंथ में यूट्यूब से कमा लिए, तो जाहिर सी बात है ऐसा कहा जाता है ना कि शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो फिर उसको वो नहीं होगा, वैसे ही यूट्यूब का जो एक बार पेमेंट ले लेता है लाखों में या फिर हजारों में, तो उसको तो मतलब फिर एक लत सा लग जाता है। तो फिर कौन सी चीजें हैं, जो कौन सी आप गलती मेन मानते हैं जिसके कारण आपका अभी चैनल आप नहीं काम कर पा रहे हो, या फिर मतलब मोनेटाइज होने के बाद भी आप पैसे नहीं, कौन सी गलती, वो गलती बताइए ऑडियंस। सबसे बड़ी बात रेगुलरिटी, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद दूसरी चीज मैं मानता हूँ कि मैंने क्या गलती की, मैंने फील किया ठीक है कि अपने चैनल पे दूसरे की वीडियो ना अपलोड करें कभी नहीं, क्योंकि जिस जो बंदा वैसे बाय चांस कुछ बंदे फेमस होते हैं, मेरे कुछ दोस्त से जो फेमस थे पहले से, ठीक है मैंने उनके वीडियो अपने चैनल पे डाला, ठीक है मतलब उठा के उनसे, मतलब उनकी परमिशन लेके मेरे चैनल ग्रो कर गया। अच्छा, उस उनके माध्यम से, मतलब उनकी वीडियो आपने उनसे पूछ के, हाँ, उनकी वीडियो लेके आपने डाल दिया, हाँ, उससे आपका चैनल ग्रो हो गया, और फिर बाद में उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि जैसे उनसे वो चैनल, उनके चैनल पे वो वीडियो नहीं थी, मैंने उनसे बनवा के अपने चैनल पे डाला था। अच्छा अच्छा, तो उनके कारण तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, लेकिन जब मैंने अपना वीडियो डालना स्टार्ट किया तो चूंकि चैनल भाई जो भी ऑडियंस आई थी वो उनकी थी, मेरी तो नहीं थी, नहीं थी क्योंकि देखिए तो जिसका आप वीडियो डालिएगा उसी की ऑडियंस, मान ली मैं सलमान खान का वीडियो डाल देता हूँ वो वायरल हो जाए तो सलमान खान के ऑडियंस देखेगी ना, मेरी ऑडियंस थोड़ी देखेगी। मैंने यहाँ भी गलती किया, चूंकि भाई उनकी ऑडियंस थी, मैंने अपना डालना स्टार्ट किया, मेरी वीडियो चलती नहीं थी, थोड़ा सा ये भी मुझे डीमोटिवेट किया। ये भी पता हमको कि YouTube पे अगर आपको रेगुलर आप रहते हैं प्लस अगर क्वालिटी रखते हैं वीडियो में तो आपकी वीडियो कभी कभी वायरल होगी 100%। और देखिए दोस्तों एक चीज मैं आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे काफी लोग डीमोटिवेट भी हुए होंगे, यहाँ पे काफी लोग डीमोटिवेट हुए होंगे इस बात को देख के कि बहुत लोग क्या होता है कि जब YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं लोग, तो लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो देखेंगे यहाँ पे 3-3 चैनल मोनेटाइज है तो ये यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हम कहाँ से कमाएंगे, तो इस वीडियो को देख के काफी लोग डिमोटिवेट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आप गलती कर रहे हैं तो आपका सक्सेस होना मुश्किल है। यहाँ पे भाई ने क्या क्या गलतियां की वो मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी 8 साल हो गए यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2015 से जब से मेरा YouTube से पेमेंट आ रहा है, जब मेरा शायद ही कभी ऐसा कोई मंथ रहा होगा जिसमें मंथ में मेरा पेमेंट नहीं आया, मिनिमम $1,000 तो मतलब आना ही आना है, ठीक है। तो मैं क्या, मुझे क्या चीजें लगती हैं जो 3-3 चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ये पैसे नहीं कमा पाए, या फिर पैसे इन्होंने कमाए लेकिन रेगुलर नहीं रह पाए, वो चीजों में मुझे क्या गलती लगती है उस चीजों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने वीडियो बनाया, सबसे पहली गलती तो इन्होंने बताई कि कंसिस्टेंसी छोड़ी कि रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा है। दूसरी चीज कि जब आप किसी और की वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरों का वीडियो आपने अपलोड कर दिया उठा के, तो होता क्या है कि वीडियो अपलोड करने के बाद जो है दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारा चैनल फ्रीज हो जाता है, दूसरे का वीडियो हमने डाल दिया, दूसरे का वीडियो डालने के बाद जो है वो वीडियो वायरल हुई, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो उससे YouTube को लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं एक तरफ से। तो समाज में आप रह रहे हैं और अगर आप चोरी करते हैं तो समाज आपको गलत नजर से देखता है। वैसे ही YouTube पे क्या है,
कि आप अगर चोरी कर रहे हैं, दूसरों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी आपको गलत नजर से देखना शुरू करता है, आपके चैनल को फ्रीज करता है, लाख आपका चैनल मोनेटाइज हो। अभी तो मैं आपको बता दूं प्रदीप भाई, की बहुत लोग ऐसे भी चैनल है जिन लोगों ने कॉपी करके अपलोड किया, तो उस समय रियूज कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं था आपके टाइम में, अब रियूज कंटेंट आता है। अगर आप दूसरे की वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली रियूज कंटेंट आ जाएगा और आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे यूट्यूब क्या कहता है कि आप उन वीडियो को डिलीट करिए और डिलीट करके फिर रीअप्लाई कीजिए जो लास्ट टाइम पूरे हो। मेरा ऐसा हुआ, एक चैनल एक ऐसा हुआ, मैं कल गया था मीटअप में, तो वहां पे ऐसे बंदे मिले जिनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि चैनल अच्छा चलने के बावजूद उनका चैनल जो है सो डिमोनेटाइज हो गया, रियूज कंटेंट का उस पर प्रॉब्लम आ गया, दिक्कतें आ गई। दूसरी चीज जो आपने कही कि मैं वीडियोस तो दूसरों का अपलोड कर रहा था, लेकिन दूसरों का वीडियो अपलोड करने के साथ ही साथ क्या हुआ कि मुझे स्ट्राइक आ गया और मैंने डर के वो वीडियो एडिट कर दिया कि पैसे जब आएंगे नहीं। जब आपकी वीडियो वायरल होती है लाख उस पर कॉपीराइट क्लेम हो, लेकिन अगर उस वीडियो को दूसरा वीडियो प्रमोट कर रहा है, जब वो वीडियो आपकी चल रही है तो उस वीडियो के रिकमेंडेशन में आपका वीडियो आ रहा है, तो उससे आपका वॉच टाइम अच्छा जाता है, आपकी वीडियो अच्छी चलती है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लाख आपके चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी और दूसरे की वीडियो आपको बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है। अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए, अगर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, डिलीट किया यही सबसे बड़ी कमी है कि जब आप वीडियो डिलीट करते हो तो आपका चैनल डेड होता है। चैनल कुछ नहीं होता है, चैनल आपके वीडियो से चलता है, अगर आप वीडियो ही डिलीट कर देंगे तो चैनल कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, मोटिवेशन के लिए बनाया कि भाई इतने पुराने यूट्यूबर हैं लेकिन दो चीज़ों के कारण मार खाया है इन्होंने। पहली चीज, इन्होंने दूसरों का वीडियो उठा के अपलोड किया, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने वीडियो अपलोड डिलीट कर दिया अपलोड करके। तो ये दो जो चीजें होती है बहुत बुरी होती है। एक चीज से शायद हो सकता है कि आपके ऑडियंस मोटिवेट भी हो गए हमारी मतलब बातों को सुन के। बिल्कुल, मैं 2017 में पैसा कमाना स्टार्ट किया था यूट्यूब से, 2018 में मेरा चैनल मतलब की रुक गई ग्रोथ एकदम स्ट्राइक की वजह से, मेरा चैनल एकदम बंद हो गया था, मतलब स्ट्राइक की वजह से बंद भी हो गया। मैंने बाद में यूट्यूब को फिर मेल करके पता नहीं कैसे खुल भी गया, ठीक है, खुल भी गया चैनल। फिर उसके बाद मुझे 3.5 साल तक एक रुपया भी यूट्यूब पे नहीं आया। तो देखिए मैंने फिर भी मैंने यूट्यूब पे काम किया, जारी रखा। फिर 3.5 साल बाद फिर दोबारा मतलब पैसा आना स्टार्ट हुआ दूसरे चैनल से। देखिए आपने जारी इसलिए रखा, आपने एक बार पैसा कमा लिया तो आपको होप हो गया कहीं ना कहीं पैसा कमाऊंगा। दूसरी चीज की यूट्यूब पे अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है या फिर कॉपीराइट हो या कम्युनिटी गाइडलाइंस हो, तो आपका चैनल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ये चीज मैं 100% जानता हूँ इस चीज को, तो इसलिए कभी भी ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको गलती नहीं करनी चाहिए कि कोई भी दूसरे का वीडियो आप उठा के डाले या फिर कोई भी ऐसी वीडियो डाले जिससे किसी को नुकसान हो। अगर दो गलतियां आप करते हैं तो आपका यूट्यूब करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आई होप इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी जिससे आप अपने यूट्यूब करियर में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और भाई अभी भी यूट्यूब पे कंटिन्यू है तो इनके चैनल को मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट करिएगा। और काम हालांकि आज भी ये करते हैं लेकिन बिजनेस में जाने की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आपको अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल।